डैडी, वो मुझे क्राफ्ट का सामान लाना है, प्लीज पैसे दे दीजिए ना। ओ मम्मी, पवन भैया और कमल भैया को पैसे दे दो ना। अरे अरे यार, अब डैडी से पैसे मांगने पड़ेंगे, शायद वो दे दें। अरे पापा, फोन छोड़ो और मुझे 100 रुपए दे दो। ये लो, इन लोगों को भी पिंकी जी की तरह फोन की बीमारी हो गई है। क्या हो गया है इन लोगों को? हमें इतना जरूरी काम करना है और ये लोग भूला। चलो हम खुद ही चल के पापा के पर्स से पैसे निकाल लेते हैं। नहीं यार, बाद में पापा बहुत डांटेंगे। पवन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ चलो, एक वही तो है जो इस बीमारी से अभी तक बची हुई है। आइडिया मैं दीदी से पूछती हूँ। दीदी, हम लोग मम्मी और पापा से कब से कॉपी और सामान के लिए पैसे मांग रहे, पर वो सिर्फ फोन में इतना बिजी है, वो हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, मेरे पर्स से 100 रुपए निकाल कर जल्दी सामान लेकर आओ, ठीक है? थैंक यू दीदी। चलो भैया, दीदी ने पैसे दे दिए। अरे यार चलो। यार ये फोन तो सभी रिश्तों को तोड़ रहा है। हाँ, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन और घर के सारे मेंबर्स फोन में इतने बिजी रहते हैं कि बस पूछो ही मत। तुम्हें पता है, ये हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी पैदा हो गई है। हाँ, उस दिन दादाजी बता रहे थे कि कैसे वे सब लोग खाली समय में बैठकर खूब सारी बातें किया करते थे, लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। आज हर एक व्यक्ति बहुत बिजी है। अरे ये सब तो कहने की बात है, काम के अलावा थोड़ा टाइम तो मिलता ही होगा इंसान को, ताकि वह अपने बड़े और छोटों को थोड़ा टाइम दे सके। लेकिन अब लोग अपने बचे हुए टाइम को व्हाट्सएप और फेसबुक पे वेस्ट कर देते हैं। सोचो गाइस, कितना अच्छा लगता होगा जब लोग अपने खाली टाइम में अपना दुख दर्द बांटते होंगे। हाँ, दादाजी हमेशा अपने पुराने किस्से सुनाया करते थे। लेटर्स के जरिए दूर दूर के रिश्तेदारों की भी खैरियत मिल जाती थी। हाँ, दूरी जरूर थी, लेकिन दिलों में सच्चा प्यार हमेशा रहता था। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। काश हम उस समय को वापस ला सकते जिसके बारे में दादाजी हमें बताया करते थे। हाँ सही कह रहे भैया, वो दिन भी क्या दिन थे। इस फोन ने हमें अपनों से मिला तो दिया, लेकिन वास्तव में हमें अपनों से दूर कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम फोन यूज ना करें तो दूर के रिश्तेदारों से कांटेक्ट कैसे करेंगे? फोन हम लोग संपर्क के लिए ही यूज करें तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन उसका बेकार यूज ही हमारे समाज को कठिनाई में डाल रहा है। अरे भाई, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि फोन केवल संपर्क के लिए नहीं है, बल्कि हम फोन से घर बैठे सारे काम कर लेते हैं। दादी कहती थी कि टीवी पे एक ऐड बहुत बार आती है। अरे वही ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब दादी कहती थी तब पहले मेरे समझ नहीं आता था कि किस चीज का ऐड है, पर आज हमारे हाथों में ये छोटा सा यंत्र जिसे कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या मुहावरा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ वाकई में, आज से 25 साल पहले लोगों को ये फोन अजूबा लगता होगा। मेरे मामा बताते थे कि जब वह छोटे थे वो माचिस की डिब्बियों में धागा बांधकर फोन फोन खेला करते थे। सच्ची में कितना अच्छा लगता होगा। सब लोग अपने कामों से फ्री होकर अपने बड़ों के पास बैठते हैं और उनसे कुछ अच्छा सीखते हैं, और उनके भूत प्रेतों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सुनकर सो जाया करते। उनकी कहानी भी आज के एपिसोड की तरह चलती थी, और वो कहानियाँ 1-2 हफ्ते तक चलती थी। सच में कितना मजा आता होगा। यही तो, आजकल हर एक को फुर्सत के लम्हों में भी फुर्सत नहीं है। हाँ बस चलते फिरते फोन ही फोन है, और ऊपर से ये नए टिकटॉक पबजी ने लोगों को दीवाना बना रखा है। आज हर दूसरा इंसान समय मिलते ही उसमें व्यस्त हो जाता है। अरे भाई, अब इन्हें कौन समझाए कि ये फोन हमारे काम को आसान करने के लिए, ना कि उसमें व्यस्त रहने के लिए।
कुछ भी हो, विज्ञान की वजह से आज मनुष्य चांद पर जा रहा है। वो सब ठीक है, पर विज्ञान से फायदा उठाना है, ना कि उसके नुकसान से अपना जीवन मुश्किल बनाना है। हाँ, बस यही बात सब समझ ले तो सब कुछ सही हो जाए। पवन, पवन, सरिता, सरिता, ये तुम लोगों ने क्या माहौल बना रखा है? जब देखो मोबाइल पे बातें, व्हाट्सएप, गेम, जिंदगी में और कुछ काम नहीं है? पर पापा, अभी तो स्कूल जाया हूँ, थोड़ी देर टाइम पास ही तो कर रहा था। वाह पापा, ये आपको क्या हो गया है जो आप ऐसा कह रहे हो? कल तक तो हम साथ में बैठकर पबजी खेल रहे थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब हम तुम सबको सही राह दिखाएंगे। वाह पापा वाह, आप लोगों को बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। यू नो मम्मी, मैं जब कहती थी तो आप लोग उल्टा ही मुझे खामोश कर देते थे, पर आज यह अचानक चमत्कार कैसे? हाँ बेटी, इन सब में सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है, पर कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। अब कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दो छोटे भाई बहन इस बार सुधर जाए। हाँ मेरे बच्चों, देखो ये फोन हम लोगों को जोड़ने के लिए है, ना कि एक दूसरे से अलग करने के लिए। पवन, सरिता, देखो मेरे बच्चों, इस फोन से फायदा उठाओ, गूगल बाबा से दूर दराज की बातें मालूम करो, पर प्लीज इसका मिसयूज मत करो प्लीज। देखो बच्चों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं ना, उस युग में विज्ञान का बहुत महत्व है, इसका यूज करो, मिसयूज नहीं। ओके ओके।